हेलो एवरीवन, सो आज हम इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर के अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसको करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये वाला टॉपिक हमने थोड़ा सा देखा था कि हम इशू ऑफ डिबेंचर्स कैसे करते हैं कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन। सो इसके अंदर हमने देखा था कि हम जब डिस्काउंट के ऊपर इशू करते हैं डिबेंचर्स को और या फिर हम जब प्रीमियम के ऊपर डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो उस केस में हमें कैपिटल लॉस होता है। हमारा जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है और जो रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, दोनों ही हमारे लिए कैपिटल लॉस होते हैं फर्म के लिए। सो इस कैपिटल लॉस को हमें राइट ऑफ करना होता है। सो आज के लेक्चर में हम इसी राइट ऑफ से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। आज के लेक्चर की जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो हैं कि सबसे पहले तो कि ये क्या है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑफ ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और कैसे होता है, और दूसरी चीज़ है कि दो तरीके आपको दिए हुए हैं करने के, तो वो हम देखेंगे। सो राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि ये कैपिटल लॉस है तो इसको आप राइट ऑफ करते हो, और आपका सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट उसके अंदर आपको ये चीज़ दे रखी है, ये अलाउ करता है आपका सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कि आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को आप यूज़ कर सकते हो डिस्काउंट या लॉस ऑफ ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए, या आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इस चीज़ को राइट ऑफ करते हो तो उस चीज़ में क्या होता है कि आपका जो टैक्सेबल फर्म का जो टैक्सेबल प्रॉफिट होता है या टैक्सेबल इनकम होती है, वो इनकम उतनी अमाउंट से रिड्यूस हो जाती है। तो हर साल आप अगर आप प्रोपोर्शनेट कर रहे हो तो हर साल आप एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आपका डिस्काउंट की है या आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है उसको आप अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप चार्ज करते रहते हो, वहाँ से राइट ऑफ करते रहते हो, वहाँ से निकालते रहते हो। सिंपल सीधी भाषा में बोलूँ तो मेरा लॉस हो चुका है, अब मेरा जो लॉस हुआ है, मैं फर्म हूँ ठीक है, मेरा जो लॉस हुआ है उस लॉस की भरपाई भी तो करनी पड़ेगी, कहाँ से होगी वो भरपाई? तो मैं क्या करूँगी, जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है उसके अंदर जो मेरी टैक्सेबल इनकम है मैं वहाँ से उस लॉस को काट दूँगी, ठीक है, वहाँ से हम उसको काट देंगे। उससे क्या होगा कि मेरी टैक्सेबल इनकम अब कम हो गई है और अब मुझे उस पर टैक्स भी कम देना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जो मेरे को लॉस हो रहा है मुझे ये डिबेंचर इशू करके डिस्काउंट के रूप में या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के रूप में जो भी लॉस हो रहा है उसको मैं सीधा सीधा अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें अपनी जो इनकम है उससे मैं काट लूँगी, ठीक है, इसका सिंपल सा ये मतलब है। तो पैसा कुछ जा नहीं रहा है लेकिन आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसकी अमाउंट आपको कम दिखाई देगी और आप उसके ऊपर आपका टैक्स कम लगेगा, सिंपल सीधी बात है। तो अब हम दो तरीके हैं हमारे पास इस डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि आप पूरी एक जो है हर साल इक्वल अमाउंट में आप इस चीज़ को राइट ऑफ कर दो। जैसे 10,000 मान लीजिए आपका डिस्काउंट है और 10 साल आपकी डिबेंचर की लाइफ टाइम है, लाइफ है उसकी, तो आप हर साल इक्वल अमाउंट हज़ार रुपए हर साल राइट ऑफ करते जाओ डिस्काउंट के या जो भी आपका लॉस हो रहा है उसके, ठीक है। तो एक फिक्स्ड पीरियड में, जैसे मान लीजिए आप डिबेंचर्स जब आप रिडीम करते हो तो मान लीजिए आप एक फिक्स्ड पीरियड के बाद पूरे लमसम में आप डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो, तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि आपने जितनी भी आपकी डिस्काउंट की टोटल अमाउंट है या लॉस की जो टोटल अमाउंट है उसको उस डिबेंचर की लाइफ टाइम के ऊपर आप इक्वल, बिल्कुल इक्वल अमाउंट में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और हर साल इक्वल अमाउंट आप डिस्काउंट की क्या कहते हैं उसको राइट ऑफ करते चले जाओगे, ठीक है। दूसरा तरीका होता है आपका जहाँ पे आप राइट ऑफ करते हो प्रोपोर्शनेट अमाउंट हर साल, ठीक है। आप इक्वल अमाउंट आप तब राइट ऑफ करते हो जब आप डिबेंचर्स जो रिडीम कर रहे हो वो एक साथ लंप सम में एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आप उनको रिडीम कर दोगे। तो 10 साल का अगर उनका लाइफ टाइम है डिबेंचर का तो 10 साल के बाद टोटल अमाउंट एक साथ आपने रिडीम कर दी, यानी टोटल अमाउंट एक साथ आपने रीपे कर दी। लेकिन प्रोपोर्शनेट अमाउंट आप कब
राइट ऑफ करोगे डिस्काउंट या लॉस की, प्रोपोर्शनेट अमाउंट का मतलब है किसी प्रोपोर्शन में। अब किस प्रोपोर्शन में? उस प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में आप डिबेंचर्स को, आपके डिबेंचर्स जो है वो आउटस्टैंडिंग रह रहे हैं या आप उन डिबेंचर्स की अमाउंट को यूज कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको कि मान लीजिए आपने शुरू में 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू करे थे, ठीक है, ये नॉमिनल वैल्यू है हमारी। अब आप क्या करते हो, आप इनको इंस्टॉलमेंट में रिडीम करने वाले हो, ठीक है, आप इनको लमसम में रिडीम नहीं करने वाले। कैसे इंस्टॉलमेंट में? आप हर साल, ये 5 साल के लिए है इनकी वैल्यू, सॉरी इनकी लाइफ जो है इन डिबेंचर्स की, 5 साल के लिए इशू हुए हैं, हर साल आप 1-1 लाख रुपए डिबेंचर्स के रिडीम करते जाओगे। तो फर्स्ट ईयर मेरे पास टोटल 5 लाख रुपए थे जो मैंने डिबेंचर इशू करके अरेंज करे हैं, तो मैंने पहले साल 5 लाख रुपए यूज़ करे। दूसरे साल की शुरुआत में मैंने इसमें से 1 लाख रुपए रीपेमेंट कर दी, उनको रीपे कर दिया, ठीक है, 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स को। अब मेरे पास बच गए 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स। दूसरे साल मैंने 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स को यूज़ किया। इसी तरीके से तीसरे साल की शुरुआत में मैंने 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स और रिडीम कर दिए, तो तीसरे साल मेरे पास 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स रह गए। ऐसे ही चौथे साल मेरे पास 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स, और पांचवे और आखिरी साल 1 लाख रुपए के डिबेंचर, 1 लाख रुपए मैंने यूटिलाइज करे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा है, हर साल कुछ अमाउंट हमने डिबेंचर्स की रिडीम करते गए, तो ये इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन चल रही है, ठीक है। डिस्काउंट आपको कैसे राइट ऑफ करना है, उस प्रपोर्शन में राइट ऑफ करना है जिस प्रपोर्शन में आपके डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब जिस प्रपोर्शन में आपके ऊपर उन डिबेंचर्स की लाइबिलिटी रह रही है। जैसे फर्स्ट ईयर में पूरे 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स आपने, 5 लाख रुपए आप यूटिलाइज कर रहे थे, 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग थे आपके, 5 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी आपके ऊपर, फिर आपने 1 लाख चुका दिए। सेकंड ईयर में सिर्फ 4 लाख रुपए के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग थे, 4 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी आपके ऊपर। तीसरे साल 3 लाख रुपए के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग थे, 3 लाख रुपए की आपके ऊपर जो था लाइबिलिटी थी। चौथे साल सिर्फ 2 लाख रुपए के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग थे, 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी आपके ऊपर थी। और पांचवें साल सिर्फ 1 लाख रुपए के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग थे, मतलब पांचवें साल आपने सिर्फ 1 लाख रुपए यूटिलाइज करे हैं जो आपने इनिशियली डिबेंचर इशू करे थे 5 लाख रुपए के, ठीक है। सो अब हमारे पास इस प्रपोर्शन में हमारे पास डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग रह रहे हैं, उस प्रपोर्शन में हम इस डिस्काउंट को राइट ऑफ कर देंगे। सो ये आपका बन गया 5, 4, 3, 2, 1। सो पहले साल आप डिस्काउंट जो राइट ऑफ करोगे 5 डिवाइडेड बाई इन सब का टोटल, दूसरे साल करोगे जितना भी डिस्काउंट है, मान लीजिए 10,000 डिस्काउंट है, तो 10,000 × 4 / ये हो जाएगा आपका 5×4 = 9, 15, ठीक है, इतना। तीसरे साल, चौथे साल और पांचवें साल, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इस प्रपोर्शन में आप अब हर साल इतना इतना डिस्काउंट आप राइट ऑफ करते जाओगे। तो ये होता है आपका जब आप राइट ऑफ करते हो, इक्वल अमाउंट ईच ईयर करोगे। कब करोगे? जब आप अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो एक साथ एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद। प्रोपोर्शनेट में कैसे आप डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करोगे? जब आप अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो इंस्टॉलमेंट में, तो जितने जितने आपके हर साल डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग रहते हैं उतने उतने उस प्रोपोर्शन के अंदर आप, उस रेशियो में आप अपने डिस्काउंट को राइट ऑफ करते जाओगे। सिंपल। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये डिस्काउंट या ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या है, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में दोबारा से एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो डिस्काउंट या ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, ठीक है, ये है आपका कैपिटल लॉस, इसीलिए इसको राइट ऑफ करना जरूरी है और इसीलिए कैपिटल प्रॉफिट में से राइट ऑफ होगा। तो आपका जो क्या कहते हैं उसको, एक तो मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ होता है, दूसरा आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका सेक्शन 52 वो आपको ये बोलता है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा इस्तेमाल कर सकते हो इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। जनरली हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही इसको कर देते हैं। ओके, डिबेंचर्स के रिडीम होने से पहले आप इसको इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, इसलिए जब हम डिबेंचर्स को लंप सम में रिडीम करते हैं, यानी एक साथ एक पेमेंट में आप रिडीम करते हो, तो हम क्या करते हैं,
जैसे 10 साल के लिए आपने डिबेंचर इशू कर रखा है, तो 10वें साल इसको आप रिडीम करोगे, तो इससे पहले के सालों में आप डिस्काउंट की इक्वल अमाउंट राइट ऑफ करते जाते हो, ठीक है। ओके, सो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला मैंने बता दिया आपको, ठीक है। जब तक आपका डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आप राइट ऑफ नहीं कर देते, तब तक आपको इसको कहीं तो शो करना ही पड़ेगा। तो कहाँ शो करते हैं हम इसे? हम इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस के अंदर शो करते हैं। राइट ऑफ करने की जो जनरल एंट्री बनती है वो बनती है आपकी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अगर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का यूज कर रहे हो तो आपकी जनरल एंट्री बन जाती है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। आप डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, आप डेबिट करते हो जब भी वहां पे जब आप एंट्री बनाते हो इश्यू की एंट्री, ठीक है। तो जब आप उसको राइट ऑफ करोगे तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे, सिंपल रिवर्स कर दोगे एंट्री को। नाउ ये तो अभी हमने देख लिया कि दो तरीके हैं डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर को राइट ऑफ करने के। या तो आप इक्वल अमाउंट डाल दो, कब करोगे? जब आप डिबेंचर्स को रिडीम करोगे एक फिक्स पीरियड के बाद लंप सम में एक साथ। प्रोपोर्शनेट में आप कब कर सकते हो? जब आप अपने डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हो लेकिन हर साल इंस्टॉलमेंट में करने वाले हो, तो कुछ ना कुछ आपके डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग आपके पास रहेंगे हर साल। तो जिस प्रपोर्शन में वो आउटस्टैंडिंग रहेंगे उस प्रपोर्शन में आप इस डिस्काउंट को बांट दोगे और हर साल उतनी ही अमाउंट आप राइट ऑफ करते चले जाओगे। अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस देख रहे हैं जिससे कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, ठीक है। सो इलस्ट्रेशन नंबर 12 है ये आपका इश्यू ऑफ शेयर के चैप्टर के अंदर, इश्यू ऑफ डिबेंचर के चैप्टर में क्या बोल रहा है। 1 अप्रैल 2012 को एक लिमिटेड कंपनी है जिसने डिबेंचर्स इशू करे हैं जिसकी फेस वैल्यू है 10 लाख रुपीज और डिस्काउंट पे आपने इशू करे हैं 6% डिस्काउंट के ऊपर, ठीक है। दीज डिबेंचर्स आर रिडीमेबल बाय एनुअल ड्रॉइंग ऑफ 2 लाख मेड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। इट मीन्स आप इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हो, तो हमें जो डिस्काउंट राइट ऑफ करना है वो प्रपोर्शन में करना पड़ेगा। किस प्रपोर्शन में? जिस प्रपोर्शन में हमारे पास डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग रहते हैं। ओके, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट बेस्ड ऑन द डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही होगा। प्रिपेयर डिस्काउंट अकाउंट फॉर 5 ईयर्स। तो हमें सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट यहाँ पे बनाना है और हमें कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम कितना डिस्काउंट हर साल राइट ऑफ करने वाले हैं। ओके, सो हर साल 31 मार्च को हम जो है अपना डिस्काउंट जो है वो राइट ऑफ करते हैं। तो 1 अप्रैल 2012 से आप स्टार्ट कर रहे हो। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से मार्च तक का होता है। सो 1 अप्रैल से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपका जो ये अकाउंटिंग ईयर है ये चलेगा 31 मार्च 2013, ठीक है। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 ये आपका एक अकाउंटिंग ईयर है। और एक बात मैंने नोट की है, जो आपका डिबेंचर्स और शेयर्स के जो चैप्टर हैं खासकर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में ये चीज़ ज़रूर होगी, एक साल होता है आपका नॉर्मल हमारा जो ईयर होता है जनवरी टू मार्च, और एक ईयर होता है हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है अप्रैल टू मार्च। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जब हम सारी एंट्री डालते हैं तो किस ईयर में हम कौन सा अकाउंट, जैसे आप सिंकिंग फंड बनाओगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाओगे रिडीम करते टाइम, तो कई बार ऐसा होता है कि जनवरी टू दिसंबर और अप्रैल टू मार्च, इन दोनों ईयर्स को आपको ध्यान में रखते हुए उन एंट्रीज वो एंट्री बनानी होती है। जब हम करेंगे तो उस टाइम पे हम इसको अगर बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से करेंगे तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारा अकाउंटिंग ईयर हमें समझ में आ गया। तो सबसे पहली जो एंट्री आपकी जाएगी वो जाएगी 31 मार्च 2013 को, जो फर्स्ट आप डिस्काउंट की अमाउंट जो है आप राइट ऑफ करने वाले हो, ठीक है। कितनी राइट ऑफ करोगे? अब हम आउटस्टैंडिंग वाला देख के चलते हैं। 10 लाख रुपए के आपने डिबेंचर्स इशू करे थे, ओके, 6% इसके ऊपर डिस्काउंट था, तो इसके ऊपर आपने डिस्काउंट जब दिया होगा तो इसका 6% आपका आ जाएगा 60,000। तो टोटल डिस्काउंट हमारा जो है वो है 60,000 रुपीज़, ओके। तो 60,000 टोटल हमें राइट ऑफ करना है, इंस्टॉलमेंट में करना है, ओके। सो फर्स्ट ईयर में मेरे पास 10 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स थे, वो आउटस्टैंडिंग थे। आपने हर साल 2-2 लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम किया है 31 मार्च को ईच ईयर,
ठीक है। सो 31 मार्च 2013 को आपके पास 10 लाख रुपए के आउटस्टैंडिंग थे। आपने क्या किया, आप 2 लाख रुपए का रिपेमेंट कर दी, तो 31 मार्च 2014 को अब आपके पास 8 लाख रुपए के डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग रह गए। फिर आपने 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, तो 31 मार्च 2015 को आपके पास 6 लाख रुपीज़ की डिबेंचर आउटस्टैंडिंग रह गई। फिर आपने 2 लाख रुपए की रिपेमेंट कर दी, तो 31 मार्च 2016 को आपके पास 4 लाख रुपए के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग रह गए। ठीक है, फिर आपने 2 लाख रुपए की पेमेंट कर दी और 31 मार्च 2017 को आपके पास आखिरी फाइनल 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग हैं। अब इसके बाद आप फाइनल पेमेंट कर दोगे अपने डिबेंचर्स की। ठीक है, सो ये हो गया 5 साल का हमारे पास हिसाब। अब डिस्काउंट, अब हम इनका रेशो निकालेंगे एक बार। तो अगर आप इन सबको रेशो निकालोगे तो ये रेशो आपका कुछ आएगा 5 4 3 2 1, 2 5 10, 2 6 8, 2 3 6, 2 2 4 और 2 1 2। ठीक है, ये आपका रेशो आ गया। अब जो डिस्काउंट की अमाउंट है आपको इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो जो फर्स्ट ईयर है उसमें कितनी अमाउंट आप राइट ऑफ करोगे, टोटल है 60,000 मल्टीप्लाइड बाय रेशो 5 डिवाइडेड बाय इन सबका टोटल, ये आ जाएगा आपका 15। सो फर्स्ट ईयर आप 20,000 रुपीज़, इतने रुपए आप डिस्काउंट के राइट ऑफ करोगे। सेकंड ईयर 31 मार्च को आप 1,000 रुपये डिस्काउंट के राइट ऑफ करोगे। ठीक है, ऐसे ही आप यहां से यहां से यहां से सारा रेशो निकाल लोगे तो ये आपके पास सारी अमाउंट्स आ जाएंगी जो जो आपको राइट ऑफ करनी है। सो थर्ड ईयर में आप 12,000 रुपये राइट ऑफ करोगे, फोर्थ ईयर में आप 8,000 रुपये राइट ऑफ करोगे और फिफ्थ ईयर में आप 4,000 रुपये राइट ऑफ करोगे डिस्काउंट की। ठीक है, एंट्री हमारी सेम बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ हर साल 31 मार्च को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अगर लॉस, अगर प्रीमियम और रिडम्पशन होता तो हम उसको लॉस से करते, तो यहाँ हम डाल देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ऑलराइट, सो ये 31 मार्च 2013 की एंट्री है, कितनी अमाउंट हमें राइट ऑफ करनी है इस साल इस डेट को, 20,000 रुपीज़। तो हमने यहाँ पे 20,000 रुपीज़ राइट ऑफ कर दिए। सिंपल बात है कि हमने P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे इसको शो कर दिया है। ठीक है, जिससे हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो गई, नेट प्रॉफिट हमारा कम हो गया। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, अब 31 मार्च 2014 को फिर दोबारा से हमने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करना है, तो दोबारा हम एंट्री बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सेकेंड ईयर पे 16,000 रुपीज हमें राइट ऑफ करने हैं, तो हमने 16,000 रुपीज यहां पे राइट ऑफ कर दिए। क्लियर, इसी तरीके से आप 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017 को सिंपल आप स्टेट इस एंट्री के थ्रू डिस्काउंट के अमाउंट को राइट ऑफ करते चले जाओगे। अब इसने हमें एक चीज़ बोल रखी है कि आपको डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, तो डिबेंचर अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट बनाना है हमें, तो हम यहाँ पे डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट बनाएंगे। तो डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट, ओके, सो ये हमारा अकाउंट है। ओके, ये डेबिट साइड है आपकी और ये आपकी क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग हमें करनी है जब हमारे पास स्टार्टिंग में डिस्काउंट हमारे पास आया, जब हमने सॉरी डिस्काउंट
बस की अमाउंट तब हमारी क्रिएट होता है डिस्काउंट जब आपने इन डिबेंचर्स को इशू करा है, ठीक है। इशू आपने करा है 1 अप्रैल 2012 को, तो 1 अप्रैल 2012 को जब आपने डिबेंचर्स जो है आपने इशू करे हैं, फेस वैल्यू थी जिनकी 10 लाख और आपने 6% के डिस्काउंट पे इशू करे, तो उस टाइम पे ये डिस्काउंट की अमाउंट अराइज हुई थी। तो हमें इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम दिखाएंगे 1 अप्रैल 2012 को, और इसकी जो एंट्री बनती है जनरल एंट्री, अगर आपको याद हो तो जनरल एंट्री हमारी बनती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये जनरल एंट्री बनती है हमारी इशू के टाइम पे। सो आप यहां देखोगे कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के डेबिट साइड पे एंट्री होगी डिबेंचर्स नाम से, ठीक है। तो यहां पे हम एंट्री डाल देंगे टू डिबेंचर्स अकाउंट, स्टार्टिंग हो गई हमारी 60,000 रुपीज़ का आपका टोटल डिस्काउंट था। अब हमें हर साल इसको राइट ऑफ करना है, तो सबसे पहले राइट ऑफ हम कब कर रहे हैं, 31 मार्च 2013 को। तो राइट ऑफ करने के लिए हमने जो जनरल एंट्री बनाई थी वो बनाई थी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। सो इसका मतलब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के नाम से। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 31 मार्च 2013 को बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ठीक है, P&L। सो यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो अमाउंट हमने राइट ऑफ करी है वो है आपकी 20,000 रुपीज़, तो हमने यहाँ पे 20,000 रुपये राइट ऑफ कर दिए, ठीक है। अब हमारा बच गया है अब बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस जो है हमारा कैरी आगे लेके जाएंगे जो हम, ये हो गया आपका 40,000। क्लियर। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में की शुरुआत में 1 अप्रैल 2013 को हमारा ओपनिंग बैलेंस आ गया जो हमने ब्रोट डाउन किया है 40,000 रुपीज। फिर दोबारा इस अकाउंटिंग ईयर में लास्ट डेट को 31 मार्च 2014 को हमने दोबारा से राइट ऑफ किया डिस्काउंट, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना राइट ऑफ किया था हमने 16,000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 16,000 और फिर दोबारा से हमारा जो बैलेंस बचेगा वो जाएगा 40,000 - 60,000, ये आपका आ जाएगा 24,000 रुपीज, ठीक है। तो ये इस तरीके से, फिर हम दोबारा से आगे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के अंदर 1 अप्रैल 2014 को दोबारा से हमारा बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस BD हो जाएगा हमारा यहाँ पे 24,000। फिर दोबारा से हम यहाँ पे 31 मार्च 2015 को स्टेटमेंट ऑफ P&L से दोबारा से जितनी भी हमने अमाउंट यहाँ पे निकाली थी 12,000 रुपये राइट ऑफ कर देंगे, तो 12,000 मैं यहाँ राइट ऑफ कर दूंगी, तो मेरे पास बैलेंस जो बच जाएगा क्लोजिंग बैलेंस जो कैरी फॉरवर्ड करना है हमने नेक्स्ट ईयर वो बच जाएगा 12,000, ठीक है। फिर हम दोबारा से यहाँ पे 1 अप्रैल 2015 को नए अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत में ब्रोट डाउन करेंगे 12,000 रुपये और फिर 31 मार्च इसी साल के इस अकाउंटिंग ईयर के एंड में 2016 को हम करेंगे यहाँ पे राइट ऑफ 8,000 रुपये को, ठीक है। तो यहाँ मैंने 8,000 रुपये राइट ऑफ कर दिए, तो मेरा बैलेंस बच गया यहाँ पे 4,000 रुपये। ये 4,000 रुपये 1 अप्रैल 2016 को नए अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत में मैंने ब्रोट डाउन किए हैं 4,000 और 31 मार्च 2017 को मैंने 4,000 रुपये राइट ऑफ कर दिए, ठीक है। तो उस डेट को जिस डेट को आपने आपके जो बची हुई अमाउंट थी डिबेंचर्स की आपने उनको रिडीम करा है, उनको रीपे करा है, हमने यहाँ पे डिस्काउंट भी अपना राइट ऑफ कर दिया P&L अकाउंट से 4,000। क्लियर। तो इस तरीके से हम राइट ऑफ करते हैं डिस्काउंट को जब आपको इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर्स को रिडीम करना है, तो आप इनके प्रपोर्शन के अंदर डिस्काउंट को राइट ऑफ कर दोगे। राइट ऑफ करने की एंट्री हमने यहाँ पे देख ली है और अकाउंट जिस तरीके से बनेगा आपका वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 13 है। आप
इलस्ट्रेशन नंबर 13 आपको बोलता है कि ए लिमिटेड कंपनी ने 9% डिबेंचर जो है वो इशू करे हैं, फेस वैल्यू उनकी 6 लाख रुपीज़ है, डिस्काउंट है 5%, 1 अप्रैल 2011 को आपने इनको इशू करा है, तो जो आपका डिस्काउंट अराइज होता है वो 1 अप्रैल 2011 को हो रहा है। द डिबेंचर्स आर रीपेएबल बाय एनुअल ड्रॉइंग ऑफ 2 लाख रुपीज़। सेम वही चीज़ हो रही है कि आप हर साल 2-2 लाख रुपये निकालते हो कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आप फोर्थ ईयर के अंदर इसको जो है डिबेंचर्स को रिडीम करना स्टार्ट करते हो, रीपे करना स्टार्ट करते हो। आपको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है कंपनीज के लेजर के अंदर, ठीक है। फॉर द पीरियड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। ओके, क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि अपना टोटल डिस्काउंट कितना बनता है। सो टोटल डिस्काउंट आपका बनेगा जितनी आपकी शेयर की नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है डिबेंचर्स की, सॉरी 6 लाख, उसका 5%, तो ये हो जाएगा आपका 30,000 रुपीज़। इतना अपना टोटल डिस्काउंट है जिसको हमें राइट ऑफ करना है, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट डिबेंचर्स की राइट ऑफ किस प्रोपोर्शन में करना है, जिस प्रोपोर्शन में आपके डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग रहते हैं, और डिबेंचर्स की पेमेंट करना आपने फोर्थ ईयर से स्टार्ट किया है, ध्यान रखना रीपेमेंट फोर्थ ईयर से स्टार्ट हुई है, और आपको डिस्काउंट जो काटना है वो आपको हर साल काटना है ड्यूरेशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, जितने साल आपके पास वो डिबेंचर रहने वाले हैं। सो अब ध्यान से देखना, ईयर फर्स्ट, ईयर सेकंड, ईयर थर्ड, ईयर फोर्थ, ईयर फाइव एंड ईयर सिक्स, जितना भी हमारा जाएगा वो हम देख लेंगे। 1 अप्रैल 2011 है तो 31 मार्च को आप रिडीम कर रहे हो, तो यहाँ पे 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2013, इस तरीके से हम लेके चलेंगे। सो ईयर फर्स्ट में आपके पास जो डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है वो है 6 लाख रुपीज़ की, क्लियर। ईयर टू में आपके पास कितने डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, आपने 2-2 लाख रुपए की रीपेमेंट करनी स्टार्ट की है, बट फोर्थ ईयर से स्टार्ट की है, यानी इस ईयर से पहले आपने कोई रीपेमेंट नहीं की है, तो सेकंड ईयर में भी आपके पास कितने डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, 6 लाख रुपए के। थर्ड ईयर में भी आपके पास कितने डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, 6 लाख रुपए के। अब फोर्थ ईयर में आपने 2-2 लाख रुपए की पेमेंट करनी स्टार्ट की है, लेकिन फोर्थ ईयर के एंड में आपने उसको रीपे किया होगा, यानी चौथे साल में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपने जितनी अमाउंट यूटिलाइज की है वो है 6 लाख रुपीज़, मतलब इतने आउटस्टैंडिंग थे, फोर्थ ईयर के एंड में आपने 2 लाख रुपए की रीपेमेंट कर दी। तो फोर्थ ईयर के एंड में जब आपने 2 लाख रुपए की रीपेमेंट करी, तो फिफ्थ ईयर की शुरुआत में आपके पास 4 लाख रुपए रहे, और इन 4 लाख रुपए को आपने फिफ्थ ईयर में यूज़ किया है, ठीक है। तो अब आपके पास फिफ्थ ईयर में डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है 4 लाख रुपीज़ के, ऐसे ही फिफ्थ ईयर के एंड में आपने 2 लाख और की रीपेमेंट कर दी, तो आपके पास सिक्स्थ ईयर में शुरुआत में 2 लाख रुपए के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग रहे, ये ध्यान रखना। जो आप रीपेमेंट कर रहे हो वो ईयर के एंड में कर रहे हो, तो फोर्थ ईयर के एंड में आपने रीपेमेंट करी है, इट मीन्स फोर्थ ईयर पूरा साल आपने कितनी अमाउंट यूटिलाइज की है, या कितनी अमाउंट के डिबेंचर आपके पास आउटस्टैंडिंग थे, जितनी अमाउंट आपकी स्टार्ट किया था आपने 6 लाख रुपए, ठीक है। अब 31 मार्च को आपने रिडीम कर दिया, तो 1 अप्रैल को आपके पास आउटस्टैंडिंग रह गए 4 लाख रुपए। ओके, सो अब हमें पता चल गया कि हमारा कितना डिबेंचर आउटस्टैंडिंग रहता है हर साल। अब हम इनका प्रपोर्शन निकाल लेंगे, तो इन सब का आप प्रपोर्शन निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 3 3 3, 2 2 4 2 1 2, ये आपका बनेगा, ठीक है। इन सब का आप टोटल कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल 15। इस प्रोपोर्शन में हम डिस्काउंट को बांट देंगे जो कि है आपका 30,000। तो पहले साल आप कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करोगे, 30,000 गुना में 3/15, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 15 × 30 × 3 × 6 6,000 रुपये। सेकेंड ईयर भी आप 6,000 रुपये राइट ऑफ करोगे, तीसरे साल भी 6,000 रुपये राइट ऑफ करोगे, चौथे साल भी आप 6,000 रुपये ही राइट ऑफ करोगे, पांचवें साल आप हो जाओगे 4,000 रुपये, छठे साल आप आखिर के जो 2,000 रुपये आपके ही बचेंगे उतने आप राइट ऑफ कर दोगे। तो इस प्रोपोर्शन में आप डिस्काउंट को राइट ऑफ करोगे। क्या जनरल एंट्रीज रहेंगी, अकाउंट कैसे बनेगा, ये हम पिछले इलस्ट्रेशन के अंदर देख चुके हैं, सेम एग्जैक्ट जो हमने पिछले वाले इलस्ट्रेशन में देखी थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो
14th इलस्ट्रेशन में आपको क्या कह रहा है, ये जे लिमिटेड है, इसने 20 लाख रुपीस के डिबेंचर्स इशू करे हैं, 15% डिबेंचर्स हैं, 8% आपको डिस्काउंट है। सो पहले डिस्काउंट के अमाउंट ही कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 8 × 16, ये आपका जो टोटल डिस्काउंट बन रहा है वो बन रहा है 1,60,000। ठीक है, डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे आप रिडीम कर रहे हो, फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर है यहाँ पे, ईयर आपका ये है सेकेंड ईयर के एंड में आप डिबेंचर रिडीम कर रहे हो, थर्ड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के एंड में और फिफ्थ ईयर के एंड में, ये आपको बोल रखा है। सो कितने कितने रिडीम कर रहे हो, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, इतने इतने आप रिडीम करते जा रहे हो। ठीक है, सेकेंड ईयर के एंड में 2 लाख रिडीम करोगे, थर्ड ईयर के एंड में, मेरा वर्ड मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुना, एंड में रिडीम कर रहे हो, यानी पूरा साल आपने कुछ और अमाउंट यूज करी है, एंड में आपने उसमें से कुछ अमाउंट वापस लौटा दी, तो नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में आपकी अमाउंट कम होगी। ठीक है, 1 अप्रैल मान लो एक हम वैसे ईयर ले रहे हैं, 2011 से लेकर मान लो 31 मार्च 2012 ये हमारा एक अकाउंटिंग ईयर है। ठीक है, इस पूरे अकाउंटिंग ईयर के एंड में आपने 2 लाख रुपए की रीपेमेंट कर दी और आपने शुरुआत करी थी 4 लाख रुपए से। ठीक है, एंड में आके 31 मार्च को आपने 2 लाख रुपए रीपे कर दिए, तो इस पूरे साल के दौरान आपने कितने रुपए यूज करे हैं या कितने रुपए के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग रहे हैं आपके, 4 लाख के। ये बात गौर करने वाली है, 2 लाख रुपए की रीपेमेंट आपने लास्ट में करी है, तो जब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2012 से, यहां आपके पास कितने के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, 4 - 2 = 2 लाख, क्योंकि अभी अभी आपने 2 लाख रुपए की रीपेमेंट कर दी थी। ठीक है, तो जो आप रीपेमेंट कर रहे हो उसका असर आपका नेक्स्ट ईयर में पड़ेगा। ओके, तो ईयर एंड वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं, ये हमें क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर हमने लिख लिया। सो स्टार्टिंग हमने करी थी 20 लाख रुपए से, तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है वो 20 लाख रुपए के हैं फेस वैल्यू। ठीक है, सेकेंड ईयर में आपके पास कितने के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, ध्यान रखना सेकेंड ईयर के एंड में आपने डिबेंचर्स को रीपे किया है, तो यानी पूरा सेकेंड ईयर आपके पास डिबेंचर आउटस्टैंडिंग थे 20 लाख। अब एंड में आके आपने इसमें से 2 लाख रुपए की रीपेमेंट कर दी, तो थर्ड ईयर में आपके पास कितने के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग रह गए, 18 लाख के। फिर थर्ड ईयर के एंड में आपने 4 लाख रुपए की डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, तो फोर्थ ईयर में आपके पास कितने रुपए के डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग रह गए, 14 लाख। ठीक है, ऐसे ही आपने फोर्थ ईयर के एंड में 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, तो फिफ्थ ईयर के शुरुआत में आपके पास डिबेंचर्स रह गए 8 लाख रुपए के आउटस्टैंडिंग, और फिफ्थ ईयर के एंड में आपने 8 लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, यानी फिफ्थ ईयर के एंड में 31 मार्च को फिफ्थ ईयर एंड में आपने ये जो 8 लाख रुपए थे इनको रीपे कर दिया, तो छठा साल आपका शुरू ही नहीं हुआ, क्योंकि छठे साल का बैलेंस यानी आपके पास 0 रुपए के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो हमारा ये फिफ्थ ईयर तक ही बनेगा। ओके, सो हमें पता चल गया कितने के डिबेंचर हमारे आउटस्टैंडिंग है, रेशो निकाल लोगे, प्रोपोर्शन निकल जाएगा सबका। ठीक है, तो प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं हम, 10 10, ये इस तरीके से आपका ये प्रोपोर्शन बन जाएगा। ठीक है, प्रोपोर्शन के अंदर डिस्काउंट के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे और सीधा आप क्या करोगे, किस तरीके से डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, ये हम एंट्री, जनरल एंट्री भी हम देख चुके हैं, और इसके साथ साथ डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट कैसे बनेगा वो भी हम देख चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ, इलस्ट्रेशन नंबर 15। ओके, सो इलस्ट्रेशन नंबर 15 में ये आपको बोल रहा है कि अश्वती लिमिटेड है, जिसने 40 लाख रुपए के डिबेंचर, 10% डिबेंचर हैं, 50 रुपए ईच के थे, आपने 8% डिस्काउंट के ऊपर इशू करे हैं 1 अप्रैल 2009। तो हमारे डिस्काउंट की शुरुआत, जो हमारा डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट है उसकी शुरुआत होगी 1 अप्रैल 2009 से। ठीक है, डिस्काउंट तभी अराइज होगा, तो ओपनिंग बैलेंस आप शो करोगे 1 अप्रैल 2009 को डेबिट साइड में। देन अब डिस्काउंट के अमाउंट हम एक बार यहाँ पे अपना कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 40 लाख रुपए के आपने इशू करे थे डिबेंचर, और 40 लाख डिबेंचर, सॉरी ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, 50 का एक था, तो 40 लाख गुना में 50,
और इसका 8%, तो ये आ जाएगा आपका 1.6 करोड़ आ जाएगा, ये आपका डिस्काउंट है टोटल। ओके, देन रिडीमेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ओके, तो 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में आपको रिडीम करना है। ओके, ठीक है। 31 मार्च 2012 से स्टार्ट होगा रिडम्पशन होना, 2012 से रिडम्पशन होना स्टार्ट होगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। हम अकाउंट शुरुआत कर रहे हैं 1 अप्रैल 2009 से, यानी जो हमारा पहला अकाउंटिंग ईयर है वो है 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2010। तो हमने जो डिबेंचर इशू करे हैं वो करे हैं 1 अप्रैल 2009 को, ठीक है। तो डिबेंचर आउटस्टैंडिंग फर्स्ट ईयर, ये हमारा फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में डिबेंचर आउटस्टैंडिंग कितने हैं हमारे पास, 40 लाख गुना में 50, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20 करोड़। सेकंड ईयर आ गया आपका कौन सा, 1 अप्रैल 2010 टू 31 मार्च 2011, ये सेकंड ईयर है। आपने 31 मार्च 2012 से रिडीम करना स्टार्ट किया है, तो अभी तक हम 31 मार्च 2012 में आए नहीं हैं, तो इस साल में भी कितनी आउटस्टैंडिंग है आपके पास, 20 करोड़, ठीक है। फिर हम आ गए थर्ड ईयर में, जो कि है आपका 1 अप्रैल 2011 टू 31 मार्च 2012। अब गौर करना, आप डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो 31 मार्च को, 31 मार्च को रिडीम कर रहे हो, यानी इस पूरा साल 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपके पास कितने डिबेंचर आउटस्टैंडिंग रहे हैं, 20 करोड़ के, क्योंकि आपने एंड में लास्ट डेट को रिडीम कराया, तो इसका असर नेक्स्ट ईयर पे पड़ेगा, ठीक है, जो आपका फोर्थ ईयर है। तो फोर्थ ईयर में हम गए, जो कि आपका है 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2013। आपने कितनी इक्वल अमाउंट, इक्वल 4 इंस्टॉलमेंट, इक्वल इक्वल आपने क्या कहते हैं उसको, रिडीम करी है, ठीक है। तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितनी होंगी, 20 हैं टोटल, 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, 5 करोड़ रुपए, यानी 5 5 करोड़ की 4 इंस्टॉलमेंट में आपने रिडीम कर दिया। तो यहाँ पे अगर 5 करोड़ मैं 31 मार्च को रीपे कर दिए, तो 1 अप्रैल को मेरे पास कितने डिबेंचर आउटस्टैंडिंग रह गए, 15 करोड़। फिर मैं गई फिफ्थ ईयर में, तो 1 अप्रैल 2013 टू 31 मार्च 2014, फिफ्थ ईयर, यहां पे 31 मार्च को मैंने दोबारा से 5 करोड़ की रिपेमेंट कर दी, तो अब मेरे पास इस साल कितने का डिबेंचर आउटस्टैंडिंग रह गए, 10 करोड़ के। इसी तरीके से जो सिक्स्थ ईयर है आपका, यानी 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 तक का ईयर जो है, इसमें अब 31 मार्च 2014 को मैंने और 5 करोड़ की पेमेंट कर दी, वापस लौटा दिए, ठीक है। तो अब मेरे पास इस साल में, छठे साल में मेरे पास कितने के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, 5 करोड़ के, ठीक है। चौथी इंस्टॉलमेंट, आखिरी इंस्टॉलमेंट जो 5 करोड़ की थी, मैंने 31 मार्च 2015 को वापस लौटा दी, यानी अगर मैं 7वां साल देखूं तो उसमें मेरे पास कितने डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, 0 रुपए के, ठीक है। तो वो साल तो हम जाते ही नहीं है, तो यानी 6 साल का आपका ये पूरा बनेगा, 6 साल में आपने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया है। ओके, सो ये पता चल गया हमें कितने कितने आउटस्टैंडिंग है हर साल, ये पता चल गया हमें, आराम से रेशो बन जाएगा, रेशो आ जाएगा, रेशो आप निकालोगे ये आ जाएगा आपका 5 से कर सकते हैं हम, तो 4 4 4 3 2 1, ये आपका रेशो बन गया। इस रेशो में आप डिबेंचर जो आपका डिस्काउंट है 5 करोड़, नहीं सॉरी 5 करोड़ नहीं, 1.6 करोड़, इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी आगे कुछ और भी लिखा हुआ है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट शोज ए बैलेंस ऑफ 70 लाख रुपीस। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आपके 70 लाख रुपीस पड़े हुए हैं, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को वैसे हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट से राइट ऑफ करते हैं, लेकिन हम सिक्योर जो हमारा क्या कहते हैं उसको, हमने देखा था आपका जो कंपनीज एक्ट है उसमें सेक्शन 52, सेक्शन 52 क्या कहता है कि आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को आप यूज कर सकते हो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है तो क्यों ना हम उसी को पहले यूज, जो सिक्योरिटीज पैसा पड़ा हुआ है पहले आप यूटिलाइज करोगे, हमें जो बैलेंस आपका बच जाएगा उस बैलेंस को आप। सो सबसे पहले हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा ही यूज करेंगे इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए। तो जनरल एंट्री अब बनाते हैं हम, तो जनरल एंट्री अगर हम बनाएंगे, जनरल एंट्री से हमें शो करनी है, सबसे पहले इशू की एंट्री बना लो। सो इशू कब किया हमने, 1 अप्रैल 2009 को। सो 2009 अप्रैल 1 इशू की एंट्री बना लेते हैं। क्या एंट्री बनेगी, दो एंट्री बनेंगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिखूंगी मैं, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं बिल्कुल। सो ये बन जाएगा आपका 20 करोड़ रुपए के आपके डिबेंचर थे, नॉमिनल वैल्यू 8% का, आपने 1.6 करोड़ का उसमें से डिस्काउंट काट दिया था, तो जो एक्चुअल पैसा आपको रिसीव हुआ है वो हुआ है इतना 18.4 करोड़ में है ये, ध्यान रखना, ठीक है। अब हमने इसको बाइफर्केशन करना है, ये डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में जो पैसा आ गया, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट, सॉरी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ओके। सो इस एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में कितने रुपया पड़ा हुआ है हमारे पास, कितना रुपया आया हमारे पास, 18.4 करोड़। डिस्काउंट कितने का था, 1.6 करोड़ का, और टोटल डिबेंचर्स कितने के थे, नॉमिनल वैल्यू 20 करोड़, क्योंकि डिबेंचर्स अकाउंट में हम टोटल जो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू होती है वही डालते हैं, ठीक है। सो इतना हो गया। अब हम आते हैं उसके ऊपर, क्या कहते हैं, डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के ऊपर। तो 31 मार्च को हम राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो 31 मार्च ऑफ 2010, फर्स्ट ईयर हमारा 31 मार्च 2010 को बंद हो रहा है, इस दिन हम इस प्रोपोर्शन में इस डिस्काउंट की अमाउंट को राइट ऑफ करेंगे। सो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमारे पास जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम में 70 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को ही यूटिलाइज करेंगे राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। इसका अगर मैं प्रोपोर्शन, सो हमें सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जो 70 लाख रुपए हैं इसको यूटिलाइज करना है इस डिस्काउंट के अमाउंट को राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले तो यही निकाल लो कि इसमें से अगर हम 70 लाख रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम में से निकाल देते हैं तो फिर कितने अमाउंट है जो हमें P&L में से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। टोटल 1.6 करोड़ है डिस्काउंट की अमाउंट, इसमें से मैं 70 लाख यानी 0.7 करोड़ सिक्योरिटीज प्रीमियम में से निकाल लेती हूँ, तो बाकी मेरा बच जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 0.9 करोड़, यानी 70 लाख तो मुझे सिक्योरिटीज प्रीमियम में से करने हैं और 90 लाख रुपए मुझे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से निकालने हैं, ठीक है। अब इसको निकालने का एक तरीका है, देखो इसको करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में से जितना डिस्काउंट आपका हो रहा है राइट ऑफ उतना आप कर दो, जो P&L में से आप राइट ऑफ करना है उसको हम क्या करेंगे इस प्रोपोर्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम अब तक करते आए हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से हमें जितना भी डिस्काउंट राइट ऑफ करना था उसको हमने इस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, उसी तरीके से हम यहां करेंगे। यहां बस एक चीज हम डिफरेंट करेंगे, क्या, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हमारे पास बैलेंस है तो सबसे पहले हम उस अमाउंट को यूटिलाइज कर लेंगे। तो 31 मार्च 2010 को सबसे पहले हम जो राइट ऑफ करेंगे, सो एंट्री बनेगी हमारी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले जितना भी हमारा सिक्योरिटीज अमाउंट का अकाउंट का जो बैलेंस है हम उसको ले लेंगे और उसको क्या करेंगे यहाँ पे डिस्काउंट को हम राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। बाकी बचा आपका ये 90 लाख, तो अब हम क्या करेंगे 90 लाख को जैसे हमने पिछले इलस्ट्रेशन में किया है कि उसको हमने इस प्रोपोर्शन के अंदर डिवाइड कर दिया है, तो इस 90 लाख को हम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देंगे। इन सब का अगर आप टोटल निकालोगे तो ये आएगा आपका 18 रुपए, ठीक है। तो टोटल 18 आएगा, तो डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 0.9,
ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा जीरो पॉइंट टू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 2010 का है क्योंकि, तो 31 मार्च 2010 को ही हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट यहाँ पे 0.2 इतना हम 20 लाख यहाँ पे राइट ऑफ कर देंगे। फिर हम चले जाएंगे नेक्स्ट ईयर में 2011, तो 31 मार्च 2011 को, अब देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम में से हम पूरा पैसा जितना भी था सारा हम पहले ही यूटिलाइज कर चुके हैं डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है, और यहाँ हमने बांटा है वो 90 लाख बांटे हैं जो हमें पी एंड एल अकाउंट से राइट ऑफ करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट ही हमारा यहाँ पे हम राइट ऑफ करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का पहले ही सारा का सारा पैसा यूटिलाइज कर चुके हैं। यहाँ कितना, अब 31 मार्च 2011 को कितना राइट ऑफ करोगे, जैसे अपने ऊपर रेशो निकालता वैसे यहाँ निकलेगा 4/18 गुणा में 0.9 करोड़, तो ये यहाँ पे भी आएगा 0.2 करोड़, तो यहाँ पे भी हमने 0.2 करोड़ को राइट ऑफ कर दिया। इसी तरीके से आप यहाँ पे 0.9 करोड़ को इस रेशो में बांट लोगे, फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, और हर साल आप 31 मार्च को यहाँ पे जितनी अमाउंट आपकी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट से आपको राइट ऑफ करनी है उतनी उतनी आपकी आती जाएगी और आप इसको राइट ऑफ कर दोगे, जैसे हमने पिछले इलस्ट्रेशन में किया है वही सेम चीज़ है। यहाँ सिर्फ एक चीज़ हो गई कि हमें, हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्योंकि बैलेंस दे रखा था तो हमने सबसे पहले उस बैलेंस को पूरा यूटिलाइज कर दिया डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए, बाकी की जो डिस्काउंट की अमाउंट बच गई उसको फिर हमने प्रोपोर्शन में बांट के स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट से जैसे हमने पहले राइट ऑफ किया था वैसे ही आगे भी राइट ऑफ कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं 16th इलस्ट्रेशन की तरफ। तो 16th इलस्ट्रेशन हमें क्या बोल रहा है, अंकुर ज्वेलरी लिमिटेड है जिसने 50 लाख रुपीज 8% डिबेंचर, 100 रुपये का एक डिबेंचर है, उसको आपने डिस्काउंट 6% डिस्काउंट के ऊपर 1 अप्रैल 2010 को आपने डाला है। तो हमारी इशू की एंट्री है 1 अप्रैल 2010 की, और हमारा जो अगर आप डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट बनाओगे तो उसकी शुरुआत भी कब होगी, 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, ओके, अब ये क्या बोल रहे हैं, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 4%। अब देखो यहाँ पे डबल डबल लॉस आ गया, जो डबल लॉस वाली है, एक तो आपने इशू करा डिस्काउंट पे, ऊपर से आपने इसको जो रिडीम करा है वो भी किस पे किया है, प्रीमियम पे। तो मैंने क्या करा है, मैंने एक पर्सन को 10 रुपये का डिबेंचर इशू करा और मैंने उससे क्या किया, 5 रुपये के डिस्काउंट पे 5 रुपये ले लिए। ठीक है, अब मैं उसको जब वापस लौटाऊंगी तो मुझे उसको लौटाने हैं 10 रुपये क्योंकि मैंने 10 रुपये का डिबेंचर उसको इशू कर रखा है। ओके, लेकिन मैं जब उसको पैसा वापस लौटा रही हूँ तो वो पैसा मैं 10 नहीं लौटा रही, उसको मैं 15 लौटा रही हूँ विद प्रीमियम। तो 5 रुपये का यहाँ लॉस हो रहा है, 5 रुपये का यहाँ, डबल डबल लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इसके टोटल को हम बोल सकते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्यों? क्योंकि इशू के टाइम पे ही आपकी रिडम्पशन की भी सारी शर्तें क्लियर हो जाती हैं। आपने इन डिबेंचर्स को इशू करा है, जिन डिबेंचर्स को आप डिस्काउंट पे इशू करोगे प्रीमियम पे रिडीम करोगे, ऐसे डिबेंचर्स को आपने इशू किया है और उससे आपको लॉस हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। दोनों ही हमारे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, अब डबल डबल लॉस हो रहे हैं। ठीक है, ओके, अब क्या बोल रहा है ये आपका रिडम्पशन आपने कब कब करा है। सो 20 लाख के डिबेंचर हैं आपके 31 मार्च 2013 को, देन 10 लाख के डिबेंचर 31 मार्च 2014 को, और फिर से 20 लाख के डिबेंचर 31 मार्च 2015 को आपने रिडीम कर दिए। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ईयर टिल डिबेंचर्स आर पेड, ऑल्सो प्रिपेयर डिस्काउंट लॉस डिबेंचर। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इसलिए क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है और डिस्काउंट भी हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, तो दोनों का हमें अकाउंट बनाना है, तो हम दोनों का इकट्ठा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इकट्ठा ही इन दोनों का बना लेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमारा लॉस, ये भी लॉस है डिस्काउंट और ये भी लॉस है डिस्काउंट, तो दोनों को हम एक साथ राइट ऑफ करेंगे, तो दोनों की टोटल अमाउंट हम एक बार निकाल लेते हैं। डिस्काउंट हमारा कितना है, टोटल 50 लाख
डिबेंचर इशू करे, 100 रुपये का एक डिबेंचर था, ठीक है, 50 लाख को 100 से गुना कर दो, 5 करोड़ आ गया, 5 करोड़ का 6% डिस्काउंट, ये आ गया आपका 3 करोड़, तो टोटल डिस्काउंट आपका आ गया 3 करोड़। सेकंड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये भी आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, कितना, 4%, किसका 4%, फेस वैल्यू का 4%, फेस वैल्यू कितनी है आपकी, 50 करोड़, 50 करोड़ का 4%, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका 2 करोड़, ठीक है। तो टोटल जो आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है वो है 5 करोड़, यानी टोटल जो आपको राइट ऑफ करना है वो है 5 करोड़, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो चाहे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो, दोनों की ट्रीटमेंट एग्जैक्टली सेम होती है। ये वैसे ही आपके जब तक राइट ऑफ नहीं होते तब तक अमोर्टाइज्ड अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस के उसमें दिखाई देते हैं, ठीक है, एसेट साइड पे बैलेंस शीट में, और जब आप राइट ऑफ करते हो तो इसको आप स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करते हो, दोनों के ट्रीटमेंट सेम है क्योंकि दोनों ही आपके कैपिटल लॉस हैं, दोनों ही इशू ये जो पर्टिकुलर डिबेंचर्स है, कैटेगरी ऑफ डिबेंचर्स है, इसको इशू करने से हुए हैं, दोनों ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हैं, ठीक है। और जब आप इन शेयर की इशू करने की एंट्री डालोगे इन डिबेंचर्स की, तो वो एंट्री बनेगी, सबसे पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने ये हुए हैं आपके, तो ये 50 करोड़ माइनस 3 करोड़ का आपका जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट काट के आपको पैसा मिला होगा, ठीक है, तो ये 50 करोड़ माइनस 3 करोड़, ये हो गया आपका 47 करोड़। सेकंड चीज, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट को आपको अब बांटना है, डिस्काउंट पे इशू करे थे तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट करते हैं हम, साथ ही साथ प्रीमियम पे रिडीम करने वाले हो कहाँ लिखते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और मैंने बताया था क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिस्काउंट ऑन इशू दोनों ही कैपिटल लॉस है, हम इसको दोनों की एंट्री एक साथ करते हैं, किस नाम से करते हैं, दोनों ही आपके लॉस है इशू ऑफ डिबेंचर पे, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट एंड टू, यहाँ पे अब हमारे आ जाएगा प्रीमियम, क्योंकि अब हमारी लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी भी हम यहाँ शो करते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लाइबिलिटी इसलिए है क्योंकि रिडीम जब होगा उस टाइम पे आपको ये प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो ये आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है। डिबेंचर अकाउंट में डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू आएगी जो कि है 50 करोड़, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में वो अमाउंट आएगी जो आपने डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में डाली है, कितनी डाली थी, 47 करोड़। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना है, एक तो डिस्काउंट का 3 करोड़ प्लस जो प्रीमियम आप पे करने वाले हो 2 करोड़, दोनों लॉस है 5 करोड़। प्रीमियम रिडम्पशन कितना है, 2 करोड़, यहां आ जाएगा 2 करोड़, 52 52, इस तरीके से आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है। तो ये दोनों ही लॉस है, दोनों का स्टेटमेंट होगा, दोनों को हम राइट ऑफ कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस दे रखा होता तो उससे राइट ऑफ कर देते, बात क्लियर हो गई इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब हमें आगे क्या देखना है कि हमारा अब हमें ये राइट ऑफ करना है, और आप इंस्टॉलमेंट में को रिडीम कर रहे हो, दोनों की ट्रीटमेंट सेम होती है, तो दोनों को हम इस प्रपोर्शन में राइट ऑफ करेंगे। अब प्रपोर्शन निकाल लेते हैं, ओके, सो हमने स्टार्टिंग करी है 1 अप्रैल 2010 से, तो 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2011 तक का हमारा फर्स्ट ईयर है, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारा 1 अप्रैल 2010 टू 31 मार्च 2011, ये फर्स्ट ईयर, ठीक है। कितनी अमाउंट हमारे पास आउटस्टैंडिंग है डिबेंचर्स की, ये ध्यान रखना आपने कब डिबेंचर्स को रिडीम कराया, 31 मार्च लास्ट डेट पे 2013 में, ठीक है। सो इसमें आपके पास कितने डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है, टोटल तो यहाँ पे हो जाएगा 50 करोड़, ठीक है। फिर 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2012
सेकेंड ईयर में भी कितने आपके आउटस्टैंडिंग है, 50 करोड़, कुछ भी आपने नहीं किया था 31 मार्च को। देन 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2013, थर्ड ईयर लास्ट डेट पे आपने 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम किया है, लेकिन पूरा साल कितने के डिबेंचर आपके पास आउटस्टैंडिंग थे, 50 करोड़। लास्ट डेट पे आपने 20 लाख रुपए के डिबेंचर को रिडीम कर दिया, इसका मतलब ये हुआ, सॉरी 20 लाख डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, तो 20 लाख गुणा में 20 करोड़ के डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, इट मीन्स इनका असर कौन से साल पे हुआ है, फोर्थ ईयर पे, क्योंकि फोर्थ ईयर अब आपके पास कम डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है। तो 1 अप्रैल को के ये वही बात है कि कल मैंने रीपेमेंट करी थी, तो आज की डेट पे कितने मेरे डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, 13 to 31 मार्च 2014। सो ये 20 करोड़ आपने जब रिडीम कर दिए, तो अब आपके पास कितने करोड़ बच गए, 30 करोड़। ठीक है, अब 1 अप्रैल 2014 to 31 मार्च 2015 को आपने 10 लाख डिबेंचर मल्टीप्लाइड बाय 100 पर डिबेंचर, 10 करोड़ रुपए के डिबेंचर रिडीम कर दिए इस डेट को। तो 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 तक 5 साल आपके पास 20 करोड़ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है। अब 31 मार्च 2015 को आपने बचे हुए 20 करोड़ डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया इस डेट को, यानी 1 अप्रैल 2015 को आपके पास 0 रुपए के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग थे, तो छठे साल में हम गए ही नहीं। ठीक है, 31 मार्च 2015 को ही आपने जितने डिबेंचर्स को रिडीम करना था उन डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, तो आपका जो रेशो बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 5 3 5 5 5 3 2, ये रेशो है आपका। इस रेशो में आपको 5 करोड़ को बांटना है, और फिर हम जैसे अब तक हमने एंट्री करी है कि स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ऐसे करके हम हर बार 31 मार्च को हर साल उसी प्रपोर्शन के हिसाब से राइट ऑफ करते जाएंगे डिबेंचर्स को। ठीक है, ऑलराइट। और जब आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाओगे तो डेबिट साइड पे, अब देखो मैं यहाँ पे अकाउंट बना रही हूँ, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर नहीं, इशू ऑफ डिबेंचर नहीं बनाएंगे, अब हम बनाएंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि हमारे पास ये प्रीमियम रिडम्पशन भी आ गया, ये दोनों आपके लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है। ठीक है, चाहो तो यहाँ स्लैश लगा के डिस्काउंट भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी ओपनिंग एंट्री डेबिट साइड में होती है, और हमारा अकाउंट स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, डिस्काउंट अराइज होता है, इस दिन हमने इशू करे थे हमारे डिबेंचर। यहाँ पे अब हम एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो लॉस हैं, एक तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो हम दोनों लॉस को यहाँ पे अलग अलग शो कर सकते हैं। कैसे, टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर यहाँ लिख के, ठीक है, 3 करोड़, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना था आपका, 2 करोड़। कैसे हुआ, यहाँ पे ये दो एंट्री क्यों बनी, ये डिबेंचर अकाउंट क्यों लिखा, ये प्रीमियम और रिडम्पशन क्यों लिखा, थोड़ा सा ऊपर करती हूँ मैं, जो मैंने आपके एक एंट्री बना के दिखाई थी इशू के टाइम की, क्या एंट्री थी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे अगर हम लिखते अलग अलग, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अब हो गया था लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, टू डिबेंचर एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये एंट्री थी हमारी। ठीक है, यहां आ गया था हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये एंट्री नहीं थी हमारी। ठीक है, तो इस एंट्री के हिसाब से हमारा क्या हो गया था, यहां पे आ गया था 47, यहां पे आ गया था आपका 5, ये डिबेंचर्स की जो आपकी नॉमिनल वैल्यू थी वो थी 50, और प्रीमियम है आपका 2 रुपये का, ये एंट्री थी। अब इस एंट्री को ध्यान से देखो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इस अकाउंट में हमें पैसा डालना है कैसे, डेबिट साइड पे एंट्री होगी किस नाम से, 3 करोड़ की, तो सॉरी एक तो होगी डिबेंचर्स के नाम से, एक होगी प्रीमियम और रिडम्पशन के नाम से। सो इसमें से जो 3 करोड़ हैं वो तो आपके डिस्काउंट के हैं, तो हमने यहाँ पे 3 करोड़ उसके डाल दिए, और 2 करोड़ क्योंकि आपका प्रीमियम और रिडम्पशन था, 2 करोड़ हमने उसके, तो हमने क्या किया है, बस ये जो एंट्री में हमने यहाँ पे ये जो लॉस था
इसमें टोटल अमाउंट डाली थी, हमने इसको सिर्फ बाइफरकेट कर दिया है, ठीक है, कि 3 करोड़ तो हमारे डिस्काउंट के हैं, 2 करोड़ हमारे प्रीमियम के हैं, बस यही चीज़ करी है हमने। तो 5 को हमने ये 2 में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे हमने इस चीज़ को शो कर दिया है, ठीक है। ओके, सो फिर यहाँ पे अगर आप जब एंट्री करोगे तो 31 मार्च 2011 को फर्स्ट आप जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड राइट ऑफ कर रहे हो वो यहाँ पे हो जाएगा बैलेंस CD। अगले साल फिर 1 अप्रैल को आप बैलेंस BD लेके जाओगे, ठीक है। और सेम जैसे हमने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाया था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बना देगा। बस यहाँ पे हमने क्या किया है, क्योंकि ये 2 लॉस थे हमारे, हमारी ये एंट्री बनाई थी हमने, इसमें हमने क्या किया था, 2 लॉसों को, डिस्काउंट को और प्रीमियम को, दोनों लॉस थे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में इकट्ठा करके दिखा दिया था। यहाँ हमने क्या किया, बस उसको बाइफरकेट कर दिया, और एक में हमने डिबेंचर अकाउंट डाल दिया और एक में हमने प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डाल दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लास्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। सेवनटीन का इलस्ट्रेशन है ये आपका, लास्ट इलस्ट्रेशन है आपका इस चैप्टर का और इस टॉपिक का भी। सो इसमें ये क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड इशूड 9% डिबेंचर्स ऑफ 5 लाख, 94% पे आपने कर रहे, यानी 6% का आपका डिस्काउंट है, ठीक है, 1 जुलाई 2009 को। सो 6% डिस्काउंट है, 5 लाख रुपए के हैं, तो अगर मैं डिस्काउंट के अमाउंट निकालूं तो ये आ जाएगा आपका 5 लाख का 6% होता है आपका 30,000 रुपए आपके टोटल डिस्काउंट के अमाउंट है। ओके, 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट आपको देनी है 1 लाख रुपए की, गुड। अकाउंट ऑफ द कंपनी आर क्लोज ऑन 31 मार्च ईच, ओके। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर एंड प्रिपेयर डिबेंचर डिस्काउंट, बिल्कुल ईजी है, ठीक है, एब्सोल्युटली ईजी क्वेश्चन है ये आपका। सो आपको क्या करना है, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है। स्टार्टिंग हम कब से कर रहे हैं, 1 अप्रैल इशू करे हैं आपने जब डिबेंचर्स 2009 से 31 मार्च 2010, इस साल में कितनी आउटस्टैंडिंग थी डिबेंचर्स, 5 लाख रुपए की, ठीक है। यहाँ बस हमें ये ध्यान देना है कि हमारे डिबेंचर्स हम किस डेट को इशू कर रहे हैं और किस डेट को हम रिडीम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, 2009 को तो आपने इशू करे हैं, बट 2009 की 1 जुलाई को आपने इशू करे हैं। अब आएगा वो जो चीज मैं आपको बता रही थी कि जनवरी टू दिसंबर और मार्च, अप्रैल टू मार्च, अकाउंटिंग ईयर और नॉर्मल ईयर, उसका फर्क आपको अब यहां पे दिखाई देगा। देखो, ये अकाउंटिंग ईयर है एक, 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2011, ये अकाउंटिंग ईयर है। 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2012, ये अकाउंटिंग ईयर है। और 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2013, ये अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है। और ये 5 बोल रहा है, चलो 5, 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2014, ये हमारे 5 अकाउंटिंग ईयर बन गए, ठीक है। अब हर साल 31 मार्च को आपको डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट होगा, आप देखो, डिस्काउंट आपकी स्टार्टिंग यहां पे जो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की है, हालांकि आपने 1 अप्रैल को नहीं, यहां पे आप डिबेंचर्स को इशू करा है, तो ये हो गया आपका 1 जुलाई, ठीक है। अगर 1 जुलाई 2009 को मैंने डिबेंचर्स इशू करे हैं और मेरा ईयर खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2010 को, ठीक है, इसका मतलब मैंने कितने महीनों के लिए डिबेंचर्स की अमाउंट को यूज किया है, 5 लाख रुपए को, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका 9 मंथ्स, पूरे एक साल नहीं, 9 महीने मैंने 5 लाख रुपए को यूटिलाइज किया है, ठीक है। अब यहाँ रेशो थोड़ा सा अलग तरीके से निकलेगा, क्योंकि आपका मंथ में आ गया, तो अब रेशो कैसे निकलेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने महीने के लिए आपने वो रुपए यूज करे। अगर सबका ही 12 12 12 12 महीने आता और सबको आप 12 12 12 से गुणा कर देते कि 5 लाख मैंने 12 महीने इतने 12 महीने, तो वो 12 12 12 इक्वल था, तो इसलिए आपको वो करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मंथ का डिफरेंस पड़ रहा है,
सारे 12 12 12 नहीं है, ये 9 महीने के लिए यूज किया है आपने फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है। तो अब आपको इस अमाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 3 महीने कितनी अमाउंट आपने यूटिलाइज करी है और 9 महीने आपने कितनी अमाउंट यूटिलाइज करी है। तो आपका हर बार जुलाई से लेकर मार्च तक का अलग आपका अमाउंट बनेगा। कैसे मैं बताती हूँ, देखो 5 लाख रुपए आपने करे 31 मार्च को, हर साल 31 मार्च को आप अपने अकाउंट क्लोज करते हो, ठीक है। 5 लाख रुपए आपने 31 मार्च 2010 तक यूटिलाइज किए हैं। आपने नेक्स्ट जो रीपेमेंट करी है 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट के अंदर, ये आपकी एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रही है 1 जुलाई 2009 से। एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है ईयर, मतलब 12 महीने। अब आपको फर्क पता चलेगा, 12 महीने, 12 महीने के बाद आपने, 1 साल के बाद आपने इंस्टॉलमेंट पे करी है। तो अगर मेरा साल में यहाँ पे 1 जुलाई से स्टार्ट कर रही हूँ, मान लो 1 जुलाई से मैंने डिबेंचर 1 जुलाई को इशू करा था, तो अब 12 महीने मेरे कब होंगे, नेक्स्ट 30 जून को। लेकिन मेरा अकाउंटिंग ईयर कब का है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अब ये 2 साल आपके चल रहे हैं, 1 साल तो आपका चल रहा है जो आपके डिबेंचर्स को इशू करने से लेकर रिडम्पशन का है, दूसरा साल आपका चल रहा है अकाउंटिंग ईयर जो 31 मार्च को हर साल आपका अकाउंट्स आपके खत्म होते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर साल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, जुलाई से लेके जून, अप्रैल से लेके क्या कहते हैं उसको, जून, और फिर जुलाई से लेके मार्च, ठीक है। मैं दोबारा से बता देती हूँ इस चीज़ को, एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमें ये बोल रहा है कि 1 जुलाई को आपने डिबेंचर्स को इशू करा है, ठीक है। तो मेरे पास 5 लाख रुपए के मैंने डिबेंचर इशू करे थे, एक बार डिस्काउंट को भूल जाओ, ठीक है। 5 लाख रुपए आए 1 जुलाई 2009 को, ठीक है। या अगर हम डिस्काउंट भी इसमें से मान लो 30,000 माइनस कर देते, 4,70,000 रुपये मुझे रिसीव हुए डिबेंचर्स के बदले 1 जुलाई 2009 को। इसकी रीपेमेंट आप करते हो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट के अंदर 1 लाख ईच। एनुअल इंस्टॉलमेंट यानी 1 साल के बाद आप 1-1 लाख रुपया पे करते जाते हो हर 1 साल के बाद। 1 जुलाई 2009 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा 1 साल कब पूरा होगा, 30 जून 2010 को, क्लियर है। यानी इंस्टॉलमेंट पे कर रही हूं 30 जून 2010 को, यानी 1 जुलाई 2010 से लेकर अगली 30 जून 2011 तक मेरे पास अब कितने अमाउंट डिबेंचर की आउटस्टैंडिंग है, 4 लाख। 5 लाख के थे, 1 लाख मैंने 30 जून 2010 को रीपे कर दिए, 1 जुलाई 2010 से लेकर 30 जून 2011 तक अब मेरे पास 4 लाख रुपये आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, हुआ क्लियर। लेकिन ट्विस्ट ये है कि मैं अपने अकाउंट्स 31 मार्च को बंद कर देती हूँ, यानी मेरा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। अब यहाँ पे 2 अलग-अलग ईयर्स आपके, ईयर का पैटर्न आपका पैरेलल चल रहा है, एक तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च और दूसरा 1 जुलाई से लेकर 30 जून। तो 1 जुलाई 2009 से लेकर 30 जून 2010, 1 जुलाई 2010 से लेकर 30 जून 2011, 1 जुलाई 2011 से लेकर 30 जून 2012। हुआ क्या, हम अपना जो डिस्काउंट राइट ऑफ करते हैं वो हमारे अकाउंटिंग ईयर के एंड पे करते हैं। हमारा अकाउंटिंग ईयर अभी भी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च है, यानी हर साल 31 मार्च को मैं डिस्काउंट को राइट ऑफ करती हूँ। लेकिन इंस्टॉलमेंट मैं कब पे करती हूँ, 30 जून को,
साल, ठीक है। और जब हम इंस्टॉलमेंट में रिडीम करते हैं डिबेंचर्स को, तो हम उस इंस्टॉलमेंट के प्रपोर्शन में कि कितने कितना पैसा मेरे पास कितने महीने के लिए यूटिलाइज हो रहा है या कितने साल के लिए यूटिलाइज हो रहा है, उस प्रपोर्शन को निकाल के हम उस प्रपोर्शन में डिस्काउंट को राइट ऑफ करते हैं। अब देखो हुआ फर्क क्या पड़ेगा, इस चीज को अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। 1 जुलाई 2009 को मैंने इशू करे डिबेंचर, 31 मार्च को मैंने अकाउंट बंद कर दिया, ठीक है। कितने महीने हो गए, 9 महीने, यानी 9 महीने के लिए मैंने 5 लाख रुपए मेरे पास हैं, 5 लाख रुपए मैं इस्तेमाल कर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगी, 5 लाख रुपए मैंने लिए थे, 5 लाख रुपए मैं इस्तेमाल कर रही हूं, 5 लाख रुपए के डिबेंचर थे, ठीक है। अब मैंने 1 लाख रुपए कब वापस लौटाए हैं, 30 जून को, ये डेट याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है, 30 जून को हम पैसा लौटा रहे हैं 1 लाख रुपए। 1 अप्रैल 2010, 31 मार्च 2010 को मैंने कोई पैसा नहीं लौटाया, क्लियर बात है। लेकिन 31 मार्च 2010 को मैंने को डिस्काउंट राइट ऑफ करना है, डिस्काउंट राइट ऑफ आपको 31 मार्च को ही करना है, ठीक है। तो यहां क्या प्रपोर्शन बनेगा, 5 लाख रुपए आप यूटिलाइज कर रहे हो, कितने महीने के लिए कर रहे हो, 9 महीने के लिए। अब मंथ से मल्टीप्लाई करना इसलिए जरूरी है, क्यों, क्योंकि अगले साल में 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक तो आपने 5 लाख रुपए यूटिलाइज करे, लेकिन 30 जून को आपने 1 लाख रुपए लौटा दिए, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2011 तक आपके पास 4 लाख रुपए यूटिलाइज होने के लिए बचे हैं, यानी 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स आपके पास आउटस्टैंडिंग हैं। तो यहां पे अब आपको अपना जो अकाउंटिंग ईयर है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक पार्ट है आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 30 जून तक का, और दूसरा पार्ट है 1 जुलाई से स्टार्ट होके 31 मार्च तक का। 31 मार्च को आप डिस्काउंट को राइट ऑफ करते हो और 30 जून को आप इंस्टॉलमेंट वापस करते हो। हमें क्या निकालना है, कितना पैसा कितने महीने तक के लिए मेरे पास आउटस्टैंडिंग है, कितना पैसा डिबेंचर्स का कितने महीने तक के लिए मेरे पास यूज इस्तेमाल करने के लिए रखा है। तो 1 जुलाई को मैंने डिबेंचर्स इशू करे, 5 लाख रुपए के थे, 31 मार्च तक मैंने कोई पैसा नहीं लौटाया, तो 5 लाख रुपए ही मेरे पास रखे हैं, क्लियर। अब 1 अप्रैल 2010 से लेकर 30 जून को मैं पैसा लौटा रही हूं, तो 30 जून तक भी मेरे पास कितने रुपए हैं, 5 लाख। 30 जून को मैंने 1 लाख रुपए लौटा दिए, 1 जुलाई को अगले दिन से लेकर 31 मार्च यानी जब साल खत्म हो डिस्काउंट राइट ऑफ करना है, कितने रुपए मेरे पास यूज करने के लिए बचे हुए हैं, 4 लाख। क्यों, क्योंकि मैंने 30 जून को 1 लाख रुपए लौटाए थे। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में 1 अप्रैल को अब भी मेरे पास कितने रुपए यूटिलाइज होने के लिए पड़े हैं, 4 लाख। 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, 30 जून 2011 तक मेरे पास कितने रुपए रखे हुए हैं उन डिबेंचर्स के, 4 लाख। 30 जून को मैंने फिर से 1 लाख रुपए लौटा दिए, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2012 तक अब मेरे पास कितने रुपए रखे हैं, 3 लाख, ठीक है। अब 1 अप्रैल 2012 से लेकर 30 जून 2012 तक मेरे पास कितने रुपए हैं डिबेंचर्स के यूटिलाइज होने के लिए, 3 लाख, 3 लाख रुपए के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। 30 जून को मैंने फिर से 1 लाख रुपए लौटा दिया, अब 1 जुलाई से 31 मार्च 2013 तक कितने रुपए बचे मेरे पास, 3 थे, 1 लौटा दिया, 2 लाख। फिर से 1 अप्रैल 2013 से लेकर 30 जून 2013 तक कितने रुपए हैं मेरे पास, 2 लाख, 2 लाख के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, 2 लाख रुपए है मेरे पास जो मैंने डिबेंचर इशू करके लिए थे, इस्तेमाल कर रही हूं मैं 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक मैंने 2 लाख रुपए इस्तेमाल करे, ठीक है। 30 जून को मैंने फिर से 1 लाख रुपया लौटा दिया, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2014 तक अब कितने रुपए है मेरे पास यूटिलाइज करने के लिए, 1 लाख। यहां पे आपका आ रहा है, जब आपके दो ईयर, दो अलग अलग ईयर आपके, मतलब दो अलग अलग आपके कह सकते हैं हम कैटेगरी के ईयर, या जो भी समझ लो,
ठीक है, ट्रेंड ईयर का आपका एक दूसरे से क्रॉस है, ठीक है। यहाँ पे हमें अब यहाँ पे क्या है, रेशो आपका निकालना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक पूरे अकाउंटिंग ईयर में अगर आप एक ही अमाउंट यूटिलाइज करते तो वो 12-12 महीने होते, समय 12-12 महीने होते, तो उसकी कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि वो 12/12 तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक ही साल में आप एक अमाउंट पहले 3 महीना यूज कर रहे हो, ठीक है, अप्रैल मई जून, और उसी साल में अगले 9 महीने आप दूसरी अमाउंट यूज कर रहे हो, क्योंकि 1,00,000 रुपए आपने साल के बीच में पेमेंट करी है, ठीक है। और डिस्काउंट आप कब पे राइट ऑफ करते हो, 31 मार्च को, साल के आखिर में, तो आपको इसकी अमाउंट इस पूरे एक साल के लिए निकालनी है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक रहता है। तो कितनी अमाउंट इसके लिए हम कैसे अमाउंट निकालेंगे, जबकि आधा साल आप कुछ और अमाउंट यूज कर रहे हो डिबेंचर की और आधा साल आपका डिबेंचर आउटस्टैंडिंग की अमाउंट कुछ और है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, मंथ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना रुपया है उसको जितने महीने के लिए हम यूज कर रहे हैं उस मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे और उस चीज का रेशो निकाल लेंगे। तो अब क्या होगा, फर्स्ट ईयर जो है आपका 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च जो फर्स्ट ईयर है, ठीक है, टोटल डिस्काउंट की अमाउंट है हमारे पास कितनी निकली थी, 30,000 रुपये, ठीक है, 30,000 को बांटना है। फर्स्ट ईयर में 5,00,000 रुपये आप यूज कर रहे हो 9 महीने के लिए, 45 कितना हो गया, 45,00,000, एक सीधी सोल्व हो गई। दूसरे साल में आ जाओ, दूसरे साल मतलब दूसरा अकाउंटिंग ईयर, दूसरे अकाउंटिंग ईयर में 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक आपने 5,00,000 रुपये यूज करे 3 महीने के लिए, तो 5 × 3 = 15, 15,00,000 तो हो गए ये। फिर 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक आपने यूज करे 4,00,000 रुपये, ठीक है, तो 9 × 36 = 36,00,000 हो गए ये। यानी टोटल अमाउंट आपकी इस पूरे साल कितनी रही है, 15 + 36, ये हो गया आपका 51,00,000। कंप्लीट। अब अगले साल आ जाओ, फिर से दोबारा से 1 अप्रैल 2011 से 30 जून आपने 4,00,000 रुपये यूज करे हैं 3 महीने, तो 4 × 3 = 12, थर्ड ईयर में 12,00,000 रुपये यूज करे आपने पहले, तो उसके अलावा अगले 9 महीने आपने 3,00,000 रुपये यूज करे, तो 9 × 3 = 27,00,000, ठीक है, इनका टोटल हो गया आपका 39,00,000। तो पहले साल आपने इतने, दूसरे साल की अमाउंट हो गई इतनी, तीसरे साल की अमाउंट हो गई इतनी, ठीक है। देन अगले साल फिर से 3 महीने आपने 3,00,000 रुपये, 3 × 3 = 9, अगले 9 महीने आपने 2,00,000 रुपये यूज करे, तो 9 × 2 = 18, टोटल 27, ये फोर्थ ईयर में है, ठीक है। फिफ्थ ईयर में पहले 3 साल आपने 3 महीने और आखिरी के 9 महीने आपने 1,00,000 यूज करा है, तो 2 × 6 = 6,00,000, 9,00,000, ये हो गया आपका टोटल 15,00,000, ठीक है। अब ये 1,00,000 बच गया, अब आप गए 1 अप्रैल 2014 को, 1 अप्रैल 2014 से लेकर 30 जून को आपने 1,00,000 रुपये लौटा दिए, आपने साल की शुरुआत करी थी 1,00,000 रुपये से और आपने 30 जून को ही 1,00,000 रुपया लौटा दिया, तो यानी 31 मार्च तक तो हम पहुंचे ही नहीं, ठीक है, तो आपने सिर्फ 3 महीने पैसा यूज करा कितना, 1,00,000, तो लास्ट ईयर का कितना बनता है आपका, 3,00,000, ठीक है, 3,00,000 बनेगा। इसका रेशो निकालोगे, ये हो जाएगा 3,00,000, इस पूरे का जब आप रेशो निकालोगे, इसको पूरे को 3 से डिवाइड करते चलोगे तो आराम से आपका रेशो निकल जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15 × 3 = 45, तो 15, ठीक है, और ये इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 17, 9, 5, 1, ये आपका बन जाएगा रेशो। तो हमने ऐसा इसलिए किया, यहाँ हमने मंथ से इसलिए मल्टीप्लाई करना हमें पड़ा क्योंकि हमारा ईयर अप्रैल से लेकर मार्च तक का है,
पर हम अप्रैल से लेके मार्च तक सेम अमाउंट नहीं यूज कर रहे हैं, हम पहले 3 महीने अलग अमाउंट डिबेंचर आउटस्टैंडिंग थे और बाकी के 9 महीने हमारे अलग अमाउंट के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग थे, और जबकि हम डिस्काउंट को राइट ऑफ करते हैं 31 मार्च को और हम उस अमाउंट के प्रोपोर्शन में करते हैं जो अमाउंट हमारा डिस्काउंट डिबेंचर का आउटस्टैंडिंग रहता है हर साल, ठीक है। तो इस वजह से हमें इनको मंथ से डिवाइड करना पड़ा कि कितनी अमाउंट कितने महीने के लिए हमारे पास रही है, तो अमाउंट कितनी बन गई, इतनी बन गई, ठीक। तो इस तरीके से हम रेशो निकाल लेंगे। अब बाकी बिल्कुल सिंपल है, अब जैसे हमने पहले निकाला था अब बाकी एग्जैक्ट वही है जो हमने पहले किया था। इस प्रोपोर्शन के अंदर हम जो हमारा 30,000 का डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ कर देंगे, बाकी आपका जो डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट है वो भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हमने फर्स्ट कुछ इलस्ट्रेशंस के अंदर बनाया है। आगे कोई डिफरेंस नहीं है एंट्री में, फर्क सिर्फ यही था क्योंकि यहाँ पे हमें 30 जून को हम पेमेंट कर रहे थे, 31 मार्च को हम डिबेंचर को रिडीम नहीं कर रहे थे। अगर रिडम्पशन और डिस्काउंट को राइट ऑफ एक ही डेट को करना होता तो कोई इशू नहीं होता, पर क्योंकि यहाँ पे हम एक अलग अलग अमाउंट को अकाउंटिंग ईयर में यूज़ कर रहे हैं अलग अलग मंथ के लिए, तो इसलिए हमें ये ट्रीटमेंट यहाँ पे करनी पड़ी ताकि हमारा रेशो जो है वो सही आए, प्रोपोर्शन में आए। इतने अमाउंट है, इतने के डिबेंचर हमारे इतने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहते हैं, इतने के डिबेंचर इतने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहते हैं, तो हम उसको मंथ के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करके हमने इसका रेशो निकाल लिया। सो ये हो गया आपका चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर कंप्लीट, और ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा है बन गया होगा मुझे मालूम है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।